अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज। फलेरा हार्टफुलनेस एवं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान योग प्राणायाम एवं ध्यान कार्यक्रम का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलेरा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए सेक्टर प्रभारी दशरथ प्रसाद धनुषधारी ने बताया कि हार्टफुलनेस हैदराबाद से मास्टर ट्रेनर द्वारा डॉक्टर कमलेश राय जी के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 1 करोड़ लोगों का लक्ष्य रखा गया, जिसमें सामूहिक रूप से योग एवं ध्यान कार्यक्रम में शामिल होकर योग एवं ध्यान कार्यक्रम को सफल बनाना, जिसके लिए प्रत्येक विभाग में हर दिन ध्यान हर हर ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मुन्ना लाल सौरभ सिंह सिसोदिया व सुपरवाइजर WN जन अभियान परिषद के सदस्य कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपका शुभ नाम? कमलेश कुमार राय, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट से हैं हम लोग, जिसमें आज भाई प्रशिक्षक कैलाश मिश्रा जी और भाई अरविंद जैन भी उपस्थित रहे और जन अभियान परिषद के भी लोग उपस्थित रहे और विशेष तौर पर हमारे आयुष विभाग से डॉक्टर फिरोजा खान भी उपस्थित रहे। ये 21 जून का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन किया जाना है, उसके संबंध में एकांत अभियान के तहत किया गया कार्यक्रम है। आज विकासखंड पलेरा में स्वास्थ्य विभाग का जो पूरा का पूरा अमला है, उसे आज ध्यान पद्धति से परिचय कराया गया और 21 जून के लिए उनका रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। ये 21 जून के कार्यक्रम में विशेष तौर पर 1 करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया है, उसी के तहत इस कार्यक्रम को हर सरकारी विभागों में या हर सरकारी दफ्तरों तक पहुँच के कराया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? राजवंत सिंह परमार, बनने वाले। आज जो कार्यक्रम किया गया है, किस संबंध में किया गया है, इसका क्या लक्ष्य है? आज खुलने संस्थान द्वारा आज योग एवं ध्यान का कार्यक्रम किया गया। ध्यान के माध्यम से ये आशा एवं समस्त स्टाफ स्वास्थ्य विभाग का कार्यकर्ता जो क्षेत्र में लोगों को ध्यान के माध्यम से समझा सकेंगे, जिससे आदमी निरोग रह सकता है, अपनी मानसिक शुद्धि के साथ निरोग रह सकता है और जो लोगों को संदेश देंगे कि हम कैसे निरोग रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।